हाँ, ये दोनों कौन, भज्जी और खज्जी? हाँ, भज्जी और खज्जी। खज्जी तो शायद अपने कमरा में है और भज्जी का पता नहीं भज्जी कहाँ है, अभी आया नहीं है बाहर से। भाई यार छोरा, तो मैं परेशान है गूं, परेशान है गूं, बाहर ऐसा कहा है जो हरदम यू बाहर हड़ते ही रहे, घर पे ना आवे। अगर वागू बाहर ही रहना हो तो घर में काई को आवे, घर में अपनी ऐसी तैसी मराने आवे। तो आप इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो, आ जाएगा? वो तो मोए भी पता आ जाएगा जब वाके पेट में चूहा कुलबुला लगेंगे ना, जब वाकू घर की याद आएगी कि हाँ घर में चलूं पेट पूजा करिया उन्हें। नहीं बिना मतलब के घर में झक भी जावे, सर तो मेरी जितना पहले बिगाड़ के रख रहा है वहां, तो शुरू से डांट के रखती ना तो आज हमारे सर पे न चढ़ता हूँ। यो ना शुरू से वाकी थूत पे लगाते आती। आज तो पापा सही गरम है रे, भज्जी पे थोड़ा और चढ़ा दो पापा ने, फिर थूत छेते दंगे बाकी। बहुत मजा आएगा जब बाकी कानी कान बजाएंगे पापा। पापा जी भज्जी, भज्जी ना देख रहा, भज्जी कहाँ है? वाह, भज्जी की तो चर्चा चल रही है यहाँ घर में, बाकी कुछ पता ना रहे कहाँ रहे, वो कहाँ ना रहे। मोह लगे वाको पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल भी मन ना दिखे, ऐसे तो तुम्हारी इज्जत तो सगरी मट्टी में मिला देगा, जा हिसाब से चल लो का। वाह, तुम्हारी इज्जत को बिल्कुल भी ख्याल ना, बिल्कुल भी रत्ती भर भी ख्याल ना तुम्हारी इज्जत को। यो ना अपने पापा जी का नाम शान से ऊंचा करे, जो मोहल्ले वाले भी कहने का हाँ वाह को लड़का आई, वाह को लड़का। वाह तो हारने तो फुर्सत नहीं है। वो ये देख रहा हूँ तुम विदेश में 30,000 रुपया महीना मिले मेरे को, 30,000 रुपया महीना। और वह तुम्हारे छोटे लड़का है, हारने तो फुर्सत नहीं है, का नाम ऊंचा करेगा घर वाले को। मैंने विदेश में पापा इतने की गवर फुका रखी है, मेरी सैलरी देख देख के 30,000 रुपया ने देख देख के ऐसे फुके के हाँ भाई साहब सही पढ़ाया कि माँ बाप ने जो इतने पैसा कमा रहा आ रही हूँ। मेरे यार दोस्त भी कहने पापा तेने कोई अच्छी कर्म करे होंगे, कोई बढ़िया ही कर्म करे होंगे जो तुमको इतने बढ़िया माँ बाप मिले, जो ने तू इतनी बढ़िया तरह से पढ़ाया लिखाया। यो कहने भी उनकी बदौलत है आज जो तू 30,000 रुपया महीना कमा रहा है। और ये तुम्हारे छोटे लड़का ने तुम्हारी इज्जत बिल्कुल मट्टी में मिला के रख रहा है, जो भी यहाँ की तरफ देखता होगा ना यो ही कहता होगा पता ना कौन की बिगड़ी हुई औलाद है। और बाकी आखिर में लेख भी शर्मा रही, यू बात ना सोचे कि मेरे मम्मी पापा कितना पैसा उड़ा रहे मेरे ऊपर, मैं खा मखा की मौज मस्ती में लग रहा हूँ। मुँह तो विदेश में अपने यार दोस्त से भी झूठ बोलना पड़े वहाँ के बारे में, वो मुँह से पूछे ना कि तेरा छोटा भैया कहाँ करे, मुँह उनके झूठ बोलना पड़ जाए कि मेरा छोटा भैया तो मोते भी ज्यादा होशियार और मोते भी ज्यादा जीनियस है, मैं 30,000 रुपया महीना कमा रहा हूँ ना, वो कम से कम 1,00,000 रुपया महीना कमाएगा। और वहाँ हारने की फुर्सत नहीं है, सुधारो पापा वहाँ सुधारो, नहीं तो वो निकल जाएगा हाथ अंत। अब वो घर पे आवे ना वहाँ के पहले 2-3 कान पे लगेंगे, जब पूछे बातें कहा और का कर रहा बाहर। शर्म नानी वाले एक मिनट यो ना माँ बाप की तरफ देखे के मेरे मम्मी पापा कितना पैसा उड़ा रहे मेरे ऊपर, और वहाँ हारने से ही फुर्सत नहीं है। देख रही है कितनी फिक्र है हमारी खज्जी है, ये हो मैं संस्कार सुनी, ये हो मैं संस्कार जो माँ बापों के द्वारा दिए जाते हैं। और वह भज्जी में संस्कार तो दूर की बात है, वह मैं सहूरी ना, पहली बात तो वह मैं सहूरी ना, वो यू ही ना सोच रहा कि मुझे अपनी जिंदगी में कहा करना चाहिए ऐसा जो आगे चल के मेरी जिंदगी बढ़िया कटे। सही कह रहा हूँ खज्जी, आज वह आंदे घर पे, वहाँ मैं सुधार ही दूंगा आज। बेटा भज्जी गया तू, अब तेने बहुत बड़ी गलती कर दी है, उन दो कौड़ी इनकी लड़कियों के सामने मेरी बेइज्जती करके बहुत बड़ी गलती कर दी है, अब बेटा आ जा तू घर पे, ना तेरा नात भूषण से स्वागत हो गए। ओ कितने यार मार 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 जागे तेरे वास्ते सोनिए, कितने यार मार 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 जागे तेरे वास्ते सोनिए, ऑल डे ऑल नाइट तेरी याद में मारू मुट्ठी, याद में मारू मुट्ठी, तेरी याद में मारू मुट्ठी। तेने सगरे गाने की ऐसी तैसी मार के धर दी, ऐसी तैसी मार दी, इतना बढ़िया गाना गा रहा हूँ इनमें का कर दी, तेरी एज भी मेरी मिट्टी, ढलते गाले तो खूब बढ़िया लग रहा हूँ। आज तक मैंने कोई ढलते गाना गाया जो आज गाले तो इतना बढ़िया गाना चल लो ना, इतना बढ़िया चल लो। ऐसा सही ना लगे ना तू ऐसे गलत सलत गाने गावे, मुंह पर लात मार दूंगा तेरे। हाँ बकचोदी मत करे खाम खा की। हाँ गा तू जैसा तेरा मन करे, जैसा तेरा मन करे ना, जैसा तेरा मन करे। और हाँ यहाँ कमरा में जल्दी एसी लगवा, गर्मी आने वाली है। और ये पीछे तेरी मम्मी को हरोसा लहंगा टंग रखा है, बाहर सुखा के आकर कमरा में टांग दो तुम, यहाँ जहाँ मर्जी। और तो पता तो है घर में कोई जब नया आदमी घुसे का ऐसी चीजें पे सबसे पहले नजर जावे कि यू कच्ची कौन की है, यू लहंगा कौन को, यू चोली कौन की है, फिर भी तुम ऐसी चीजें घर में टांग के रखो। आज के बाद में जब भी तेरे घर में आऊँ ना यू लहंगा वहंगा दिख ना जाना चाहिए मेरे को, हाँ तुम जहाँ मर्जी इन्हें सुखाने गेर देखा। अरे भज्जी तू आज कैसे धनवा के घर में पड़ो है, तो ऐसे चौक कैसे रही है तू, मेरे दोस्त को घर, मेरे दोस्त को कमरा में, यहाँ मैं कभी भी आ सकूँ कभी भी जा सकूँ, तुम ऐसे चौंकने वाली बात कौन सी है? ए मैं तो यहाँ मारे पूछ रही तू यहाँ के घर ज्यादातर ना आवे, क्योंकि जब भी तेरे यहाँ मिलने को मन करे तू खुद बना ले अपने घर।
मैं जब ही पूछ रही आज भज्जी कैसे धनुआ के घर में पड़ो, नहीं तो धनुआ तू खुद बना ले अपने घर पे। अब मेरा या मारे अपने घर पे ज्यादा रहने को मन ना करे, वो हमारा बड़ेला आगो ना, मेरा बड़ो भैया आगो का मोक वो घर में जहाँ भी दिख जाए ना, मेरा मन करे या मैं दे लात और दे कोनी और दे घुसा थूत ही थूत बजाई चलो जा। वो घर में जहाँ भी दिख जाए ना मुँह पे फिर रहो ना जावे बात बिना कुछ कहे, या मारे बात मैं दूर रहूं। नहीं पापा भी मुँह पे शक करने लगेंगे कहा यू ये रार की जर। वो तो मुझे भी बहुत बुरा लगो, मैं तो तू समझ रही नहीं तो मैं वहाँ पे पहले बजा देती। जब बाने ज्यादा ही हद सी पार कर दी मैं कह रहा ना यार दम वहाँ पे लात घुसा। मैं तो जब ही कह रहा यहाँ बात है जब तेरे वहाँ पे बजाना चालू करो ना वहाँ पे बजाती रहती। वो कह रहा ना कि मैं लड़की का हाथ ना उठाऊँ तो तू वहाँ पे हाथ उठाती रहती हाँ जब तक तेरा मन ना भरता, तू बस दो तीन बार के रुक गई। मैम तो यहाँ मारे वहाँ पे ज्यादा ना बजाया, कहीं वहाँ गुस्सा गुस्सा आ जाती तो मुँह पे भी हाथ उठा देता फिर वो। तो मैंने यहाँ मारे वहाँ में दो तीन धरे और अलग हट गई। मैं कह लिए खड़ो वहाँ पे अगर वो तूते हाथ भी लगा देता ना मैं वहाँ के हाथ पैर न तोड़ देता और घर पे जाके कह देता कि लड़की पे हाथ उठा रही हूँ, शर्म ना रही है एक भी। शरूर से कहा तुमने, मैं तो ऐसे कह देता घर पे जाके। चल छोड़ यह बात, अगर वो मुझे गलती से हाथ लगा देता ना तो मैं तो पुलिस रिपोर्ट कर देती हूँ। मैं का कमू कही थी, मैं तो कह देती छेड़ रहा मुझको। अरे ऐसे झूठ बोल देती तू पुलिस के सामने के ऐसे छेड़ रहा मुझको, ऐसे छेड़ रहा। हाँ फिर मैं ना शर्माऊँ, जो मेरी आंखन में खटक जावे ना तो मैं वहाँ के बारे में कुछ भी बोल सकूँ, फिर मैं ना देखूँ कौन है यू कौन ना। मतलब वो खज्जी खटक रहा तेरी आंखन में, वहाँ के बारे में मत बोले तू, वहाँ जैसे मुँह उल्टा सीधा बोला ना वहाँ छितवाने के चक्कर में तो मैं कुछ भी बोल सकूँ। तो धनुआ मैं चलूँ घर पे है, फिर कभी आऊंगा।